हेलो बच्चों, वेलकम बैक ऑन जे नॉलेज। सो आज हम करने जा रहे हैं आपके जियोग्राफी के फर्स्ट चैप्टर की एनसीईआरटी एक्सरसाइज। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ डज अ प्लैनेट डिफर फ्रॉम अ स्टार। एक प्लैनेट एक स्टार से कैसे डिफर करता है। आपको कभी भी किसी क्वेश्चन में कोई डिफरेंस पूछा हो तो आप हमेशा ऐसे लाइन लगा के करोगे। चलिए देखते हैं क्या डिफरेंस होता है इनमें। अ प्लैनेट doesn't have its own light and heat. एक planet के खुद की heat और light नहीं होती। They shine with the light of a star. वो किसी star की light से shine करते हैं। और star has its own heat and light. और star की क्या होती है, अपनी खुद की heat होती है, खुद की light होती है। A planet is usually smaller than star. एक प्लेनेट का साइज यूजली स्टार से क्या होता है, छोटा होता है। एंड स्टार्स आर ह्यूज ऑब्जेक्ट्स। और स्टार्स के क्या होते हैं, बहुत बड़े साइज के होते हैं। आप बोलोगे कि मैम हमें तो देखने में स्टार बहुत छोटे छोटे लगते हैं। वो इसीलिए क्योंकि वो हमसे क्या होते हैं, काफी दूर होते हैं, इसीलिए वो छोटे लगते हैं। अब सन को ले लो, सन भी क्या है, एक स्टार है। कितना बड़ा है ना वो। सो दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज मीन्ड बाय सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम से आप क्या समझते हो। सो सोलर सिस्टम हमने अच्छे से किया हुआ है। सोलर सिस्टम रेफर्स टू द फैमिली ऑफ द सन। सन की फैमिली को हम सोलर सिस्टम बोलते हैं। सन की फैमिली के सारे मेंबर्स भी देखे थे हमने। द सन इज अ स्टार। सन क्या है, एक स्टार। अराउंड विच एट प्लैनेट्स एंड अदर सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स रिवॉल्व इन ऑर्बिट्स। एक स्टार है सन, जिसके आसपास, जिसके अराउंड एट प्लैनेट्स और कुछ सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट लाइक एस्टेरॉइड्स एंड मेटेरॉइड्स, वो क्या करते हैं, ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते हैं। सो दिस होल सिस्टम इज नोन एज सोलर सिस्टम। और इसी पूरे सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, सोलर सिस्टम बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेम ऑल द प्लैनेट अकॉर्डिंग टू देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सन। सारे प्लैनेट्स के हमें नाम लिखने हैं, जैसे जैसे उनका सन से डिस्टेंस है वैसे वैसे लिखने हैं हमें। सो फर्स्ट, सन के बिल्कुल नियरेस्ट कौन सा है, मरकरी। देन वीनस। थर्ड नियरेस्ट है अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। सो ये है सारे प्लैनेट्स के नेम। सो योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाई अर्थ इज कॉल्ड अ यूनिक प्लैनेट। हमारी अर्थ को एक यूनिक प्लैनेट क्यों कहा जाता है। द अर्थ इज कॉल्ड एज अ यूनिक प्लैनेट बिकॉज, क्यों, इट इज द ओनली नोन प्लैनेट टू सपोर्ट लाइफ। अर्थ ही एक ऐसा प्लैनेट है जो लाइफ को सपोर्ट करता है। बाकी सारे 8 के 8 प्लैनेट्स कहीं पे लाइफ नहीं है। It has oxygen and water present which support life to thrive. जो life को thrive करने में, revive करने में help करते हैं oxygen and water. Third is, 2/3 of its surface is covered with water. Earth के 2/3 हिस्से में क्या है, पानी। इसीलिए इसको हम blue planet भी बोलते हैं। So यही सारी वजह है जिसकी वजह से हम Earth को unique planet बोलते हैं। Is it clear? Next is, why do we see only one side of moon always? हमें हमेशा moon की एक ही साइड क्यों दिखाई देती है? So one revolution of moon around the earth take 27 days. हमें पता है ना कि moon जो है earth के around revolve करता है, बिल्कुल वैसे जैसे sun के around earth revolve करती है। एंड मून रोटेशन अबाउट ऑन एक्सिस ऑल्सो टेक सेम टाइम। और मून खुद की एक्सिस के अराउंड भी रोटेट करता है, और उसकी खुद की एक्सिस के अराउंड रोटेशन भी बिल्कुल इतना ही टाइम लेती है, यानी कि 27 डेज। सो ओनली वन साइड ऑफ द मून कैन बी सीन फ्रॉम अर्थ। इसीलिए हमें सिर्फ एक ही साइड दिखाई देती है मून की अर्थ से। और मून के ऊपर वन डे कितने, अर्थ के कितने डेज के इक्वल होते हैं, 27 डेज ऑफ अर्थ। हमारे यहाँ 27 डेज कंप्लीट होते हैं और मून के ऊपर वही एक दिन, वन डे कंप्लीट होता है।
अब ये रोटेशन कैसे होती है वो समझो. सपोज माय हैंड इज अर्थ एंड दिस इज मून. सो मून खुद की एक्सिस के अराउंड भी रिवॉल्व रोटेट करता है और अर्थ के अराउंड भी रिवॉल्व करता है. बिल्कुल ऐसे. क्लियर? सो नेक्स्ट इज व्हाट इज यूनिवर्स. यूनिवर्स क्या होता है? द यूनिवर्स इज द लार्जेस्ट यूनिट इन विच वी लिव. यूनिवर्स क्या है? सबसे बड़ी यूनिट है जिसमें हम रहते हैं. इट इज अ कलेक्शन ऑफ गैलेक्सीज. ये गैलेक्सीज की कलेक्शन है. एवरीथिंग एग्जिस्ट इन दिस यूनिवर्स. जितना भी कुछ मिलता है हमें सिर्फ यूनिवर्स के अंदर मिलता है. यहाँ सिर्फ एक ही यूनिवर्स है. यूनिवर्स बहुत बड़ी टर्म है. फर्स्टली अर्थ. अर्थ के बाहर क्या है? काफी सारे प्लैनेट्स हैं. हमारे सारे प्लैनेट्स अर्थ और सन मिलके क्या बनाते हैं? गैलेक्सी. एक गैलेक्सी. और ऐसी ही बहुत सारी गैलेक्सीज हैं. और ऐसी सारी गैलेक्सीज मिलके क्या बनाती है? यूनिवर्स बनाती है. क्लियर? नेक्स्ट आपके हैं टेक द करेक्ट. सो फर्स्ट है द प्लैनेट इज नोन एज अर्थ ट्विन. चैप्टर में पढ़ा था ना हमने कि अर्थ ट्विन कौन से प्लैनेट को बोलते हैं? वो प्लैनेट जिसकी सारी कुछ कुछ बातें अर्थ में सिमिलर हैं. अर्थ के साथ मिलती जुलती हैं. सो ऐसा कौन सा प्लैनेट है? वेनस. वेनस इज नोन एज अर्थ ट्विन. द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू सन इज. सन के थर्ड नियरेस्ट कौन सा प्लैनेट है? बिल्कुल नियरेस्ट है मरकरी, देन वीनस, और थर्ड नियरेस्ट कौन सा है? अर्थ. सो नेक्स्ट इज ऑल द प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन इन आर्क. सारे प्लैनेट सन के अराउंड कैसे रिवॉल्व करते हैं? सर्कुलर पाथ में, रेक्टेंगुलर पाथ में, या इलोंगेटेड पाथ में? हमें पता है कि सन के अराउंड सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करते हैं. नेक्स्ट इज द पोल स्टार इंडिकेट्स द डायरेक्शन टू द. पोल स्टार हमें कौन सी डायरेक्शन इंडिकेट करता है? ये भी हमने चैप्टर में पढ़ा था. पोल स्टार कौन सी डायरेक्शन में होता है? नॉर्थ डायरेक्शन में. तो ये हमें नॉर्थ डायरेक्शन को इंडिकेट करने में हेल्प करता है. नेक्स्ट इज एस्टेरॉइड्स आर फॉर्म्ड बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ. एस्टेरॉइड बेल्ट कौन कौन से दो प्लैनेट्स के ऑर्बिट्स के बीच में मिलती है? फर्स्टली सन होता है. सन के बाद फोर रॉकी प्लैनेट्स होते हैं, उसके बाद एस्ट्रॉयड, उसके बाद क्या होते हैं? फोर गैसियस प्लैनेट्स होते हैं. तो सन के बाद वाले फोर प्लैनेट्स देखो, मरकरी, वेनस, अर्थ एंड मार्स. और मार्स के बाद क्या आती है? एस्ट्रॉयड बेल्ट. तो किसके बीच होगी? मार्स और जुपिटर के बीच. इज इट क्लियर? नेक्स्ट इज योर फिल इन द ब्लैंक्स. सो अ ग्रुप ऑफ डैश फॉर्मिंग वेरियस पैटर्न इज कॉल्ड एज डैश. अ ग्रुप ऑफ स्टार्स. अगर एक स्टार्स का ग्रुप अलग अलग पैटर्न बना रहा होता तो हम उसको क्या बोलते हैं? कॉन्स्टेलेशन. कॉन्स्टेलेशन. नेक्स्ट इज अ ह्यूज सिस्टम ऑफ स्टार्स इज कॉल्ड एज गैलेक्सी. डैश इज द क्लोजेस्ट सेलेस्टियल बॉडी टू अर्थ. अर्थ के सबसे क्लोजेस्ट क्या है? द मून. मून अर्थ के सबसे क्लोजेस्ट सेलेस्टियल बॉडी है. डैश इज द थर्ड प्लैनेट टू द सन. सन का थर्ड प्लैनेट कौन है? सन, मरकरी, वीनस, और थर्ड पे कौन आता है? अर्थ. द अर्थ. एंड द प्लैनेट्स डू नॉट हैव देयर ऑन डैश इन डैश. ये तो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में भी पढ़ा था. प्लैनेट डू नॉट हैव देयर ऑन हीट एंड लाइट. प्लैनेट्स के पास उनकी खुद की कोई हीट और खुद की कोई लाइट नहीं होती. होप यू लाइक दिस. इफ यू फाइंड माई वीडियो यूजफुल देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.